आपको ये आज का लुक कैसा लग रहा है, होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है आपको आज के ट्यूटोरियल में बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने कौन से ब्रांड्स यूज किए हैं और कौन सी टेक्निक्स यूज की हैं। तो प्लीज वॉच कीजिएगा ये पूरी वीडियो, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइज हम मेकअप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं अपनी स्किन प्रिपेयर कर चुकी हूँ, लाइक फेस वॉश कर चुकी हूँ, और अब हम स्टार्ट करेंगे टोनिंग। मैनू टोनर दे दो। फर्स्ट हम यूज करेंगे टोनर, और थोड़ा सा ड्राई होने का वेट करेंगे। जो भी टोनर आपको सूटेबल है आप वो यूज कर सकते हो। मेरी स्किन थोड़ी एक्सट्रीम ऑयली है तो मैं थोड़ा ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज करती हूँ। टोनर के साथ हमें थोड़ा रिफ्रेश सा फील होता है। और अब हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। तो मेरी स्किन ऑयली है जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं ऑयली बेस्ड यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो मैं नार्स का, दिख रहा है आपको, अब नार्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ करने जा रही हूँ। आज हम थोड़े मिक्स एंड मैचेस ब्रांड्स यूज करेंगे, थोड़े हाई एंड थोड़े नॉर्मल। मैं मॉइस्चराइजर थोड़ा कम ही यूज करती हूँ बिकॉज मुझे पिंपल्स हो जाते हैं मॉइस्चराइजर से। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप वैसे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो, ब्रश के साथ और हैंड्स के साथ। मुझे हैंड्स के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं हैंड्स ही यूज करती हूँ अपने लिए। क्लाइंट्स के ऊपर हम ब्रश यूज कर लेते हैं बट अपने लिए मैं हैंड्स ही प्रेफर करती हूँ। थोड़ा सा रेस्ट देंगे फेस को एंड देन यूज करेंगे हम प्राइमर। प्राइमर में सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज करने लगी हूँ, एले गर्ल्स का। ये भी आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो, ब्रश के साथ अप्लाई करना है या हैंड्स के साथ अप्लाई करना है। तो मुझे हैंड्स के साथ ही कंफर्टेबल लगता है अपने लिए। थोड़ा सा हम प्राइमर को भी रेस्ट देंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट देके मेकअप स्टार्ट करते हो तो आपका मेकअप ज्यादा अच्छा और फ्लॉलेस होता है, लेकिन जब आप फास्ट फास्ट जैसे मॉइस्चराइजर अप्लाई किया और साथ के साथ प्राइमर अप्लाई कर दिया, गैप नहीं दिया, तो उसके साथ आपके मेकअप को ऑक्सीडाइज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा गैप प्रेफर करती हूँ। देन हम यूज करेंगे कलर करेक्शन, फॉरएवर 52 का पैलेट है ये, मेरा फेवरेट पैलेट है। जब मैंने गेट टुगेदर के लिए जाना होता है तो मैं यही अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ। आज थोड़ा सा हम बजट फ्रेंडली मेकअप करेंगे। अगर आपको मेरे बजट फ्रेंडली मेकअप्स पसंद आते हैं तो मैं आपके लिए बजट फ्रेंडली मेकअप्स ट्यूटोरियल ही बनाऊंगी, और अगर आपको हाई एंड ब्रांड्स में चाहिए तो हम वो भी बनाएंगे। मैं इसका ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स हो गए हैं। आज हम क्रीम कलर करेक्शंस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम लिक्विड कलर करेक्टर्स के साथ बनाएंगे। फॉरएवर 52 बड़ा ही अच्छा ब्रांड है, बजट फ्रेंडली ब्रांड है, आप वैनिटी में इसे ऐड कर सकते हो। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसकी कवरेज बड़ी प्यारी सी आती है, मतलब लाइट लाइट एंड बड़ा ही जल्दी कवरेज भी दे देता है और ज़्यादा केकी केकी मेकअप की लुक भी आती है। जहाँ जहाँ हमें डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ वहाँ हम ऑरेंज कलर करेक्टर यूज कर रहे हैं। मुझे इनफ लग रहा है ये बिकॉज इसके बाद हमारे और भी कवरेज आनी है, फाउंडेशन एंड ऑल, इसलिए मैं इसे यहीं पे स्टॉप करूंगी। और अब हम इससे थोड़ा डार्कर टोन का कंसीलर लेंगे, लाइक कौन सा जाएगा मेरे शेड के साथ, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला लेंगे, और कलर करेक्टर को कवरेज देंगे।
जब हमारे ये डार्क सर्कल्स और डीप्स होती है ना, देखो मेरी आईज डीप हैं, तो हमें इनको थोड़ा सा लिफ्ट अप करना पड़ता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्राइटर रखते हैं। ब्लेंड अच्छे से करना है कि कोई भी पैच ना आए। ट्यूटोरियल आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा। अब मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। देखिए बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली नजर आ रहा है आपको। देखिए फॉरएवर 52 का फाउंडेशन है ये, और ये शेड मैं यूज कर रही हूँ 7007 संडे। पहले हम फाउंडेशन को मिक्स करेंगे अपने हैंड के ऊपर आई गेस, और यहाँ पे मैं BH कॉस्मेटिक्स का ब्रश यूज कर रही हूँ नंबर 4। बड़ा ही अच्छा ब्रश है ये, और ये भी बहुत बजट फ्रेंडली है। हमेशा फाउंडेशन अपने स्किन टोन का यूज किया करो। अगर आप फाउंडेशन अपने स्किन टोन का यूज करते हो तो उससे आपको बड़ी ही अच्छी कवरेज आती है, और फाउंडेशन जो है 1 आवर 2 आवर्स के बाद आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता। नेक एंड ईयर्स पे प्रॉपर अप्लाई करो। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। फाउंडेशन जब आप अपने कलर का नहीं यूज करते हो तो आप कुछ का कुछ भी बन सकते हो। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे अच्छे से ताकि कोई भी पैच ना रहे। जीरो प्रेशर के साथ आपने ब्रश यूज करना है ताकि जो आपने कलर करेक्शन किया है वो ना रिमूव हो। अगर आप जोर जोर से इसे ड्रैग करोगे तो नीचे वाला जो कलर करेक्शन आपने किया है वो रिमूव होने के चांसेस होते हैं। तो अपने नेक को साथ में कवरेज दें, नहीं तो आपका फेस ऊपर ऊपर से वाइट और नीचे नीचे से ब्लैक लगेगा। मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी। 5 मिनट ज्यादा दे दो ब्लेंडिंग पे, लेकिन अच्छे से ब्लेंडिंग करो। अब हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर तो आपको पता ही है हम वेट यूज करते हैं। मेरे स्टूडेंट ने पहले से ही वेट करके मुझे दिए हैं, इसलिए ये वीडियो में हमने आपको नहीं बताया। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो आपका फाउंडेशन वापस से उठा लेते हैं आपकी स्किन से। जब आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हो तो आपको एक शीर कवरेज देते हैं। बड़ा ही अच्छा सा एक ग्लो आया फेस पे। मुझे ये फाउंडेशन बड़ा ही अच्छा लगता है। देखो अब मुझे थोड़े से अपने आंखों के नीचे जो हैं खड्डे नजर आ रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हम इनको थोड़ा सा कवरेज देंगे मेबलिन का कंसीलर है। ये मेबलिन, ये मेरा फेवरेट कंसीलर है। इसका शेड है मीडियम 25। तो हम ये अप्लाई करेंगे ओनली अंडर। आप देख रहे हो जैसे ये लाइंस आ रही हैं, हम सिर्फ ये लाइंस के ऊपर ही लाइंस ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपके आईज के नीचे ये डीपनेस है वो कवर होगी। जब हम फोटोग्राफ्स लेते हैं तो उसमें आपके आईज के नीचे जो है एक डेप्थ नजर आती है, इससे वो नहीं है। इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। छोटा वाला ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे। मुझे छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर इसलिए अच्छे लगते हैं बिकॉज ये उस जगह पे काम करते हैं जहाँ पे हमारे बड़े वाले ब्यूटी ब्लेंडर्स नहीं वर्क कर पाते। एक और ट्रिक है जो मेरा फेवरेट है,
वो आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, जो ये आईज की डेप्थ को फोटो फ्लैश में नहीं दिखाता। थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है अभी भी, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। ओके राइट, अब मैं पाउडर कंटूरिंग करूंगी बिकॉज मुझे क्रीम कंटूरिंग अपने ऊपर नहीं अच्छा लगता, फिर ज्यादा फेस पतला लगता है, इसलिए मैं पाउडर कंटूरिंग ही प्रेफर करती हूँ अपने लिए। हम ब्राउन्स कलर का कंटूरिंग शेड ले सकते हैं, जो आपके लिए बेटर है वो आप वो वाला शेड ले सकते हो। मेरे लिए, मैं ज़्यादा डार्क और ज़्यादा डीप शेड नहीं लेती, मेरा नाक तो थोड़ा सा मोटा है इसलिए मैं सिर्फ नोज को ही कंटूर करना पसंद करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे कंटूरिंग कर लेती हूँ ना, तो मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा पतला लगने लग जाता है। तो ये भी मेरा BH कॉस्मेटिक्स का ही ब्रश है, नंबर 3। बड़े अच्छे ब्रश हैं ये, बजट फ्रेंडली एंड सॉफ्ट। मेरा नोज ना थोड़ा सा यहाँ से मोटा है, तो इसलिए मैं यहाँ से कंटूर करूँगी अच्छे से, तीखा तीखा करेंगे नोज, तीखा तीखा। हमारे हस्बैंड को तीखा तीखा नोज पसंद है, ये मोटा मोटा है, थोड़ा सा कंटूर। वैसे मुझे लगता है कि मुझे कंटूरिंग की नीड नहीं है, बिकॉज मेरी मम्मा ने मुझे इतना अच्छा फेस दिया है ना, देखो ओवल प्रॉपर, इसलिए। बट थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, नहीं तो एक फ्लैट फेस लुक आता है, इसलिए हम थोड़ा सा कंटूर शेड यूज करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक शैडो क्रिएट करेंगे। मुझे चीक बोन्स पे कंटूरिंग अच्छा नहीं लगता अपने ऊपर, इसलिए अब हम यूज करेंगे क्रीम ब्लशर, जो कि ये वाला है, नजर आ रहा है आपको, टेंट कलर क्वीन का। ओके, तो ये शेड है 01, शेड है 01, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये, बिकॉज आई एम अ व्हीटिश कम्प्लेक्शन गर्ल। तो हमारे ऊपर जो ये वाले शेड्स होते हैं बड़े ही प्यारे लगते हैं, मुझे ये वाले शेड्स अच्छे नहीं लगते अपने ऊपर, इसलिए मैं ये नहीं यूज़ करूँगी, ये वाला शेड यूज़ करूँगी। तो ये बात आप याद रखें कि अगर आप डार्क कम्प्लेक्शन हो, व्हीटिश कम्प्लेक्शन हो, तो हमेशा डीप शेड्स यूज़ करो अपने ब्लशर के लिए। अब हम इसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करेंगे, बिकॉज मैंने अभी तक पाउडर लॉकिंग नहीं की है। जब तक आप पाउडर लॉकिंग नहीं करते हो, तो आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हो। डैबिंग में ही यूज करेंगे, जीरो प्रेशर के साथ, ताकि जो हमारा नीचे वाला कवरेज है वो भी रिमूव ना हो। अभी आपको मेरा फेस थोड़ा वाइट वाइट लग रहा होगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा अपने लिए लाइटर टोन का फाउंडेशन यूज किया है। मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, और थोड़ी देर के बाद ये ऑयल
अपने आप ही छोड़ देगी। तो मेरा फाउंडेशन अगर मैं थोड़ा डार्क यूज करूंगी तो फिर 1 या 2 आवर्स के बाद मैं थोड़ा डार्क टोन में चली जाऊंगी, और इसलिए हम थोड़ा सा पहले वाइट टोन रखेंगे ताकि 2 आवर्स के बाद हम नॉर्मल लगे। कॉम्पैक्ट दे दो फॉरएवर 52 मेरे पास। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप ऑयली स्किन हैं और अगर आपका फेस बार बार ऑयल देता है, आपको नेचुरल ऑयल आता है आपके फेस के ऊपर, तो आप फाउंडेशन थोड़ा सा लाइटर टोन का यूज़ करें। ज़्यादा लाइट नहीं यूज़ करना, हल्का सा लाइट यूज़ करना है ताकि 2 आवर्स के बाद जब आपके ऑयल आए तो आप नेचुरल लगो, डार्क टोन के ना लगो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट, ये शेड है मेरे लिए नेचुरल 003। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश नंबर 2 BH कॉस्मेटिक्स का। हम पहले पाउडर लेंगे, देन उसको ड्रैग करेंगे। अब जो मेरी आईज़ के नीचे डेप्थ थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं लास्ट में ये ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो ये ट्रिक है कि हम पहले क्रीज लाइंस को ब्लेंड करेंगे। जब भी आपने पाउडर लॉकिंग करनी है ना, ये याद रखो कि आपने पहले थोड़ी सी ब्लेंडिंग करनी है ताकि कोई भी लाइन जो है वो पाउडर लॉक ना हो जाए। देन यूज द पाउडर। ये वो जादुई यंत्र है जो हम आपको अब बताने वाले हैं। अपने कानों और गर्दन का साथ में ध्यान रखें कि वो किसी और रंग के ना लगे। ओके, अब मुझे लूज पाउडर दे दो लॉरा मर्से का। जादुई ट्रिक शेयर होने जा रहा है अंडर आई एरिया के लिए। ये हमारी छोटी बच्ची है, आइए आप भी आइए आइए आइए। गगन खाओ, गगन रहो मगन। लॉरा मर्सर का हम ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज करने जा रहे हैं। ओके, लूज पाउडर है ये हमारा फेवरेट, हम ऐसे इसको थोड़ा सा ले लेंगे। देन पिज्जा पफ लेंगे, छोटू सा पिज्जा पफ है ये PAC का, ये मेरा फेवरेट फेवरेट वाला पार्ट है मेकअप का, जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। हम पहले पाउडर लेंगे, पाउडर हमने ऐसे पफ के साथ लिया, देन से ड्रैग किया। अब आईज के नीचे आप देख रहे हो कैसे ये शाइन कर रहा है, अभी देखना। फिर से पाउडर लेंगे, अब ब्लेंड सॉफ्टली, कोई प्रेशर नहीं देना। ये इतना अच्छा लूज पाउडर है जिसके पार्टिकल्स बिल्कुल भी शो नहीं होते आपके फेस के ऊपर। देखो मैं बिल्कुल कैमरा के पास होके आपको दिखा रही हूँ। ओके, ऐसे ही हम नोज के कॉर्नर्स, जहां पे ब्लशर नहीं है, कंटूरिंग नहीं है, वहां पे हम ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज करेंगे। थोड़ा सा नेक पे भी दे देंगे। मुझे शाइनी शाइनी ड्यूई मेकअप सूटेबल नहीं है, सो मैं मैट मेकअप ही प्रेफर करती हूँ अपने लिए, बिकॉज जब शाइन आ जाता है, शाइन तो देखो मेरे पास नॉर्मली है क्योंकि मैं ऑयली स्किन हूँ, 2 आवर्स के बाद मेरी स्किन नॉर्मली शाइन करेगी ही करेगी, इसलिए मैं पहले मैट में ही जाती हूँ। और मैट मेकअप के बाद मैं अपनी पॉकेट में ये पिज्ज़ा पफ ज़रूर लेके जाती हूँ, इसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा के एंड ड्रैग करके। देन मैं
पार्टी में भी इसे यूज करती रहती हूँ कि मुझे ऑयल ना आए। अब हम यूज करेंगे पाउडर लॉकिंग बॉडी ब्रशर। मुझे इसी शेड का ब्रशर चाहिए जिस शेड का हमने यूज किया है ब्रशर, क्रीम ब्लशर यूज किया है उसी शेड में हम पाउडर लॉकिंग करेंगे। अब हमारा फेस ऑलमोस्ट डन हो चुका है बेस, और अब हम यूज करेंगे आईब्रोज। तो मेरे आईब्रोज पहले से ही बहुत ज़्यादा डार्क हैं, सो मैं लिटल डार्कर एंड लिटल लाइटर शेड दोनों मिक्स करूँगी और पैक करूँगी। एंगुलर ब्रश ले रही हूँ, ये मेरा फेवरेट ब्रश है, अभी थोड़ा ख़राब हो चुका है लेकिन ये मैं छोड़ नहीं सकती। मुझे आईब्रोज ज़्यादा डार्क अच्छे नहीं लगते अपने लिए, तो मैं हल्के हल्के शेडो ही क्रिएट करूँ। देख रहे हो आप, जैसे ये वाला आईब्रो मैंने कर लिया है और ये नेचुरल है, तो मैं सिर्फ एक डेप्थ ही दे रही हूँ कि फाउंडेशन का जो कलर है वो आईब्रोज पे जो है उसी को मैं एक डेप्थ दे रही हूँ बस। कई लोगों को बड़ा ड्रामेटिक लुक्स पसंद होती हैं, कईयों को बड़ी सोबर लुक्स पसंद होती हैं, है ना, तो कईयों को बड़ा ड्यूई मेकअप पसंद होता है। मुझे थोड़ा नेचुरल मेकअप पसंद है, इसलिए मैं अपने लिए थोड़ा नेचुरल मेकअप ही लाइक करती हूँ। क्लाइंट्स की डिमांड्स पे हम हर तरह का मेकअप करते हैं, लेकिन एक अपने लिए मेरी जो सिग्नेचर लुक है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ आज। तो अब हम करेंगे आई मेकअप। मैं बड़ा लाइट सा आई मेकअप करने जा रही हूँ बिकॉज मैंने सिर्फ आज मार्केट शॉपिंग के लिए जाना है, तो मुझे ज़्यादा आई मेकअप्स नहीं चाहिए। तो मैं एक लाइनर क्रिएट करूँगी, विंग लाइनर, बिकॉज जो मेरी ड्रेस है वो कुछ ऐसी है ना, तो इसके साथ मुझे विंग लाइनर बड़ा ही अच्छा लगेगा और क्लासी लुक देगा। तो हम विंग लाइनर अप्लाई करेंगे। मेबलिन का हम लिक्विड लाइनर ले रहे हैं, ये मेरा फेवरेट ब्रश है। इसके साथ जो विंग क्रिएट होता है ना, छोटा वाला मिरर जो, अगर आप चाहते हो कि मैं ये विंग का ट्यूटोरियल, सिर्फ आई मेकअप के विंग का ट्यूटोरियल बनाऊं, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा और मैं किस पे स्पेशल वीडियोस बनाऊं। अब मस्कारा, तो अब हम मस्कारा यूज़ करने लगे हैं मेबलिन का। ये तो आप सबको पता ही है कौन सा मस्कारा है। यार एक बात बताओ, ये मस्कारा अप्लाई करते हुए आपका मुंह खुल के जाता है? ये सिर्फ मेरे साथ होता है या आप सबके साथ होता है? जितनी मर्जी कोशिश कर लो फिर। नाइस लग रहा है बहुत ज़्यादा मेकअप मुझे खुद को। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। मुझे पहले मैं लिप को एक अपना फेवरेट लिप शेड के साथ कवरेज दूंगी। ओके, अब हम यूज़ कर रहे हैं इनसाइड का नॉन ट्रांसफर लिप कलर, शेड है
इनसाइट का 24। बड़ी ही प्यारी सी लुक क्रिएट हुई है, देखो गाइस। बड़ी ही प्यारी सी लुक क्रिएट हुई है देखो गाइस। अब हम मेकअप फिक्सर यूज करेंगे फॉरएवर 52 का लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर दे दो हमें। मैं हाइलाइटर जो है वो लास्ट में यूज करती हूँ, बिकॉज जब हम मेकअप फिक्सर अप्लाई कर देते हैं तो उसके साथ जो हाइलाइटर है थोड़ा सा फॉल आउट हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे यूज करने लगे हैं फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर। ओके, लॉन्ग वियर फिक्सिंग स्प्रे, शेक एंड देन डिस्टेंस। थोड़ा सा रेस्ट देंगे और अब हम यूज करेंगे हाइलाइटर जो कि है रेवोल्यूशन ब्रांड का, ब्रांड नेम है रेवोल्यूशन। ओके, और इसमें 8 शेड्स हैं जो कि ये पैलेट मैं 4 to 5 ईयर्स से यूज कर रही हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसे मैं फिनिश नहीं होने देती बिकॉज इसके जो शिमर पार्टिकल्स हैं बड़े ही प्यारे हैं। लेट मी शो, देखो वाओ कितने प्यारे पार्टिकल्स हैं इसमें। ना शिमर जो है वो ऐसे मतलब अलग से विजिबल नहीं होता फेस के ऊपर। इतना प्यारा शेड है इसका, गोल्डन भी बड़ा प्यारा है। और अब हम यूज करेंगे शिमर हाइलाइटर, इसका शेड सिल्वर एंड पर्पल मिक्स करके एंड देन नाक को तीखा दिखाने के लिए। चमक रही हूं मैं, देखिए क्या मैं चमक रही हूं, मुझे बस इतनी ही चमक चाहिए। तो मेकअप इज फिनिश। क्या बात है, थोड़ा सा हाइलाइटर मैं अपने ब्रो बोन पे भी दूंगी। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल किसके लिए चाहिए, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है वो हम हाई एंड ब्रांड्स के ऊपर लेके आएंगे, लाइक नार्ज, मैक और जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं वो सारे हम रिवील करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको बजट फ्रेंडली मेकअप चाहिए तो हम इससे भी सस्ते ब्रांड्स में मेकअप आपको सिखाएंगे घर बैठे बैठे। तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।